नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल के अंदर। मैं प्रकाश होता दोस्तों, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्कर्ष ऐप के अंदर चल रहा है धमाकेदार और डिस्काउंट। ये डिस्काउंट है जो 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक रहेगा, यानी कि 5 तारीख को रात के 12 बजे ये खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप इस डिस्काउंट के अंदर आप कोर्स को कैसे परचेज वगैरह कर सकते हैं और कौन कौन सी प्रॉब्लम आपकी आएगी और उनका सोल्यूशन किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा कि आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा, अगर आपको वीडियो को स्किप वगैरह नहीं करना है। यानी कि कुछ लोग होते हैं जो स्किप वगैरह कर लेते हैं, लेकिन अगर आप स्किप करोगे तो आपको क्या है कि कोई स्टेप वगैरह मिस कर दिया तो आपको आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि ये जो कोर्स है वो 1 साल तक रहेगा और 1 साल के अंदर आपको काफी सारी प्रॉब्लम वगैरह आएगी। तो आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। तो दोस्तों, सिंपली आपको करना है कि सबसे पहले प्ले स्टोर से अपने उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड कर लेना है। उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड करने के बाद में आपको वो नंबर इंटर करना है जो परमानेंट हो। यानी कि कुछ लोग होते हैं जो अपनी सिम वगैरह नंबर तो लगा देते हैं, या फिर रजिस्ट्रेशन करने के बाद में क्या है कि वो अपने सिम में या तो बाद में किसी को दे देते हैं या बाद में वो नंबर बंद करा देते हैं, जो आगे चल के बहुत सारी प्रॉब्लम वगैरह आ जाती है। तो मेरे दोस्तों, मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट वगैरह भी आते हैं। तो आपको सिर्फ वही नंबर लगाना है जो आपके परमानेंट हो, यानी कि जो नंबर 1 साल तक रहे, आप चेंज वगैरह ना करें, तो वो नंबर इंटर करना है। तो दूसरा बात ये दोस्तों, मैं आपको बता दूं, काफ़ी सारे लोग हैं जो अपनी जी मेल आई डी गलत वगैरह डाल देते हैं। तो दोस्तों, सिंपली आपको वहाँ पर अपनी जी मेल आई डी से वहाँ पे इंटर करनी है और आप कहाँ पे रहते हो वो भी इंटर कर देना है, डिस्ट्रिक्ट वगैरह सेलेक्ट, स्टेट वगैरह सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों, उसके बाद में आपको उत्कर्ष ऐप लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद में आपको वहाँ पे सर्च कर सकते हैं या बाद में स्क्रॉल करके वहाँ पे आप कोर्स की रेट प्राइस वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पे अभी 5 तारीख तक सारे कोर्स के अंदर आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाते हैं और इन सारे डिस्काउंट के अंदर आप देख सकते हैं कि काफ़ी कम प्राइस के अंदर ये जो कोर्स है आपको देखने को मिल जाएंगे और जो रेट भी है, जो प्राइस वगैरह है, वो आपको कम देखने को मिलेगी। रात 5 तारीख को रात के 12 बजे के बाद में इनकी वही प्राइस वापस आ जाएगी। अगर आप कोर्स परचेज वगैरह करना चाहते हो तो अभी आप कर सकते हो। तो दोस्तों, अब आपको करना क्या है, जो आपको कोर्स वगैरह आपको चाहिए वो आप सर्च कर सकते हो या बाद में आप वहाँ पे 2 ऑप्शन देखने को मिल जाता है। वहाँ पे आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जहाँ पे सब्जेक्ट वगैरह बुक वगैरह आती है और वहाँ से स्क्रॉल करके आप जिस पटवार है IAS है प्री वगैरह वहाँ पे आप क्लिक करके बुक वगैरह परचेज करते हो, और नहीं तो आप सर्च करके भी आपको वहाँ पे बुक वगैरह सर्च कर सकते हैं। तो आप दोस्तों, आपको बुक मिल जाएगी। उसके बाद में आपको वहाँ पे उस बुक पर क्लिक करना है। बुक पर क्लिक करने के बाद में आपको वहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह वहाँ पे दिए गए हैं, आपको उन सारे जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन है उन सबको पढ़ लेना है अच्छी तरीके से। यानी कि वहाँ पे आपको सारा कुछ बता दिया है कि इस जो बुक है उसके अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा, प्लस सिलेबस भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों, आपको करना क्या है, सिंपली आपको वहाँ पे बाय पे क्लिक करना है। बाय पे क्लिक करने के बाद में आप वहाँ पे पेमेंट मेथड देख सकते हैं। अलग अलग तरीके के आपको पेमेंट मेथड देखने को मिल जाएंगे, जिसके अंदर नेट बैंकिंग पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपका अपनी कार्ड की डिटेल वगैरह फिल करनी है, या बाद में आप फोन पे और गूगल पे वगैरह आप जिससे चाहे उससे पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। जैसे आप पेमेंट करेंगे तो आपका जो कोर्स है वो 1 दिन के अंदर आपके ऐप के अंदर आ जाएगा, नहीं तो हाथों हाथ भी आ जाता है। लेकिन कभी कभार क्या होती है, कोई प्रॉब्लम वगैरह आ जाती है तो वो आराम से आ जाएगा, यानी कि 1 दिन के अंदर, नहीं तो 2 दिन के अंदर आ ही जाएगा। तो दोस्तों, अब काफ़ी सारे लोग प्रॉब्लम क्या करते हैं, यानी कि उनको क्या प्रॉब्लम आती है कि वो अपना जीमेल एड्रेस एक बार डाल तो देते हैं, लेकिन क्या है कि बाद में कुछ दिनों के बाद में या तो उसके पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं या फिर अपनी जीमेल आईडी चेंज कराने को बोलते हैं कि सर हमारी जीमेल आईडी है वो चेंज कर दीजिए, या फिर हमारे जो मोबाइल नंबर है वो चेंज कर दीजिए, हमारी सिम गुम हो गई, या बाद में हम इस नंबर पर कोर्स से वो ट्रांसफर कराने जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपने एक बार फील कर दिया, आपने एक बार कोर्स परचेज कर लिया, उसके बाद में अब चाहे तो करा सकते हैं, लेकिन इसके लिए मैं कन्फर्मली कह नहीं सकता कि हो भी जाएगा या नहीं, क्योंकि दोस्तों इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगते हैं। और अगर आप कोर्स परचेज करने के 2-3 दिन बाद में अगर आप ट्राई करोगे ट्रांसफर करने की या नहीं करने की, तो शायद तो उत्कर्ष वाले करते दोस्तों, शायद मेरे अभी तक तो किसी ने किया नहीं है कोर्स ट्रांसफर, लेकिन कभी कभार कर देते हैं। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम ना है, इसलिए आपको जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर परमानेंट रखने हैं और 1 साल तक आपको कोर्स अवेलेबल वगैरह रहेगा, आप जितनी बार चाहे वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि क्या हमारा जो कोर्स है वो एक्सपायर होने के बाद में भी हमारे जो डाउनलोड किए हुए वीडियो है वो हमारे उत्कर्ष ऐप के अंदर रहेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जी नहीं, आपने जैसे ही कोर्स एक्सपायर हो गया तो साथ में जो वीडियो है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं,
जितना आप ज्यादा वीडियो डाउनलोड करेंगे तो उत्कर्ष ऐप पे उतना ही लोड पड़ेगा और वो उतना ही स्लो काम करने लगेगा, तो कम से कम वीडियो डाउनलोड करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।